नमस्कार मित्रों, रेनेसा क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आप लोगों के अध्ययन प्रक्रिया का चरम बिंदु चल रहा होगा, और यदि नहीं चल रहा है तो मैं अंधेरे में कविता की उन पंक्तियों के माध्यम से आपको मैं सावधान करता हूँ कि कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। इस समय तो आप उस चरम विश्राम बिंदु पर चल रहे होंगे जहाँ कह सकते हो कि भागता में दम छोड़ घूम गया कई मोड़, तो वहाँ से आप लीजिए, यह न समय है जो जनाते हैं। बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिए, अंधेरे में कविता का बहुत सवाल वहाँ से आते हैं। मित्रों, हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास के संदर्भ में, और बेहद अनिवार्य पहलू हमने डिस्कस भी किए, सवाल वहाँ से आपको मिल जाएंगे आपकी परीक्षा में। मेरे ख्याल से दो सवाल त्यागपत्र उपन्यास से आएंगे। जैनेन्द्र से तो हिंदी साहित्य के इतिहास वाले पर्चे में सवाल अलग से आएंगे ही आएंगे, से निश्चित आएगा। प्रेमचंद के उपन्यासों से निश्चित आएगा। ये नहीं कह सकते कि जैनेन्द्र के वो उपन्यास से आ रहा है या कहानी से आ रहा है या निबंध से आ रहा है, लेकिन सवाल निश्चित आना है। पहला उपन्यास जैनेन्द्र का परख है, अंतिम दशार्क है, मुक्तिबोध उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, त्यागपत्र उपन्यास पर फिल्म भी बनी है। मित्रों, मैं अपनी कुछ आपको भावनाओं को शेयर करता हूँ आज की क्लास में कि जैनेन्द्र और उनकी जो रचना धर्मिता है, विशेषकर त्यागपत्र के संदर्भ में जो मेरी समझ बनी है इस उपन्यास को पढ़ करके, ज़्यादा बड़ा उपन्यास नहीं है, 90-94 पेज का है, आप भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब बहुत बेहतरीन उपन्यास है, स्त्री की दर्दनाक दास्तान का नाम है त्यागपत्र। मित्रों, जैनेन्द्र के उपन्यासों में न पात्रों की भीड़ है न घटनाओं की बहुलता, उन्हें जो कहना होता है उसके लिए वो उतने भर से काम चला लेते थे। आप देखेंगे कि त्यागपत्र में भी कोई पात्रों की भीड़भाड़ नहीं है। जैनेन्द्र का मानना है मित्रों कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में भी है, इसलिए विश्व के छोटे से छोटे खंड को लेकर हम अपना चित्र बना सकते हैं और उसमें सत्य का दर्शन करा सकते हैं। जैनेन्द्र की समस्या थी कि थोड़े में समग्रता क्यों न दिखाई जा सके, मतलब थोड़े में समग्र दिखाओ, थोड़े में बहुत को समेटने का कौशल ही जैनेन्द्र का रचनात्मक संकल्प की विशेषता है। कहानी के संदर्भ में तो आपको पता ही है, मैंने कहा था कि प्रेमचंद ने अपने जीवन में अंतिम सत्य पाया कि सच्ची कहानी वह है जिसमें आत्मा की एक झलक मिल जाए, लेकिन जैनेन्द्र हिंदी के वो कहानीकार हैं जिन्होंने कहानी को तर्क और विचार की वस्तु माना, अनुभूति का विषय नहीं माना। हिंदी कहानी को घटना वर्णन के घेरे से निकालकर पूर्णतः चरित्र प्रधान बनाने वाले हिंदी के पहले कहानीकार जैनेन्द्र ही हैं। तो मित्रों, इनके उपन्यासों को पढ़िए आप, पात्रों की कोई आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, हाँ गहराई बहुत मिलेगी। थोड़े में बहुत को समेटने का जो कौशल है वही जैनेन्द्र के रचनात्मक संकल्प की विशिष्टता है। और स्त्री पुरुष संबंध, जैनेन्द्र के संपूर्ण साहित्य को आप उठा करके देखेंगे, कहानी उपन्यास, तो उसमें मुख्य तौर से आपको दिखाई देगा स्त्री पुरुष संबंध, और उसका बहुत ही यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण जैनेन्द्र करते नजर आते हैं। स्त्री पुरुष संबंध जैनेन्द्र के सरोकार का मुख्य विषय रहा है। असल में तो जैनेन्द्र एक मुख्य तौर से चिंतक रहे हैं। मानवीय संबंधों और जीवन व्यवहार से संबंध जो तात्विक प्रश्न है, उन केंद्रीय सरोकारों के रूप में जैनेन्द्र की रचना धर्मिता से सवालों को उठाया गया है। स्त्री को माता, बहन, पत्नी, उपपत्नी यानी कि प्रेमिका, प्रेमिका के लिए सब चलता है, उपपत्नी, किसी न किसी संबंध में बांध करके
स्त्री के प्रति अपनत्व जतलाए बिना पुरुष का जैसे काम ही नहीं चलता है। और यही उपाधियाँ कि कहीं वो माता है, कहीं बहन है, कहीं पत्नी है, कहीं प्रेमिका है। स्त्री को दी गई पुरुषों के द्वारा यही उपाधियाँ, यही संबंध भावना स्त्री के बंधन का सबसे बड़ा कारण है। और इन्हीं के तले समाज स्त्री की स्वतंत्रता का अपहरण करता रहा है। और स्वतंत्रता बड़ी कीमती चीज है मित्रों। जैनेन्द्र को यह बोध अपने पहले ही उपन्यास परख में बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। हाँ, ये बात आप सोच रहे होंगे कि क्यों स्त्री की तरफ से बंधन है क्या, पुरुष की तरफ से बंधन नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बंधन दोनों ओर हैं। सुनीता उपन्यास के संदर्भ में मुझे वो पंक्ति याद आती है कि स्त्री नहीं, जैनेन्द्र की दृष्टि से पुरुष भी पति और पिता बनकर अपने आप को बांधता है। सुनीता उपन्यास में लिखा है कि पुरुष पति और पिता बनकर अपने को बांधता है। इस प्रकार उत्सर्ग की, मुक्ति की, स्वाधीनता जीवन की महिमा से वह अपने को दूर बनाता है। वह कौन? पुरुष। जैनेन्द्र ने संबंधों के प्रश्नों पर सामाजिकता के दायरे में ही विचार किया है, उसको हटा करके नहीं। जैनेन्द्र ने जिस पहलू को उठाया है उसका अपना एक सामाजिक सरोकार है। सामाजिक विधान से समर्थित जो विवाह है और उस बंधन से मुक्त प्रेम की जो पारस्परिकता है, वह जैनेन्द्र के कथा साहित्य का केंद्रीय सरोकार है। विवाह को वे बिल्कुल एक सामाजिक समस्या का, एक सामाजिक तत्व का दर्जा देते हैं जैनेन्द्र। और विवाह उनकी दृष्टि में एक ऐसी सांस्थानिक व्यवस्था है जिसका निर्वाह संसार के प्रति, समाज के प्रति दायित्व की भावना से किया जाता है। इसलिए उसे विच्छेद या उसे विघटन की बात का समर्थन तो जैनेन्द्र नहीं करते हैं। परित्यक्ता मृणाल के बारे में देखिए आप, जो परित्यक्त हो गई है मृणाल, तो मृणाल के बीते जीवन पर प्रमोद टिप्पणी करता है कि विवाह के बीच की ग्रंथि दो के बीच की ग्रंथि नहीं है, वह समाज के बीच की भी है। प्रमोद कहता है इस बात को त्यागपत्र में। और चाहने से भी क्या वह टूटती है? विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न क्या योटाली टल सकता है? वह गांठ जो बंधी हुई है क्या वो ऐसे ही खुल सकती है? टूटे तो टूट भले जाए, पर टूटना कब किसका अच्छा रहा है मित्रों? प्रमोद के माध्यम से इस ग्रंथि को बहुत अच्छे से दिखलाया गया है। विवाह निभाने योग्य संस्था है, ये जैनेन्द्र के सभी उपन्यासों का मूल स्वर है। कुटुंब नाम की संस्था जो सामाजिक जीवन का रूढ़ आधार है, इसे बनाने बिगाड़ने का पूरा दायित्व स्त्री पर है। पुरुष कुछ नहीं बनाता बिगाड़ता, ये सब जिम्मेदारी स्त्री के पहलू में जाती है। जैनेन्द्र का मानना है कि धर्म, सभ्यता और यहाँ तक कि पूरी दुनिया स्त्री पर टिकी हुई है, इसलिए स्त्री के दुख का, पुरुष के द्वारा उसके शोषण का कारण स्त्री सामर्थ्य की विफलता है। मित्रों, ये आकस्मिक बात नहीं है कि जैनेन्द्र के उपन्यासों में जो स्थितियाँ हैं उसके नियामक नियंता पात्र स्त्रियां हैं, पुरुष नहीं है। ये देखिए आप, निर्णय की इसी क्षमता के चलते सुनीता के सामने हरि प्रसन्न हतप्रभ है और मृणाल के सामने प्रमोद लज्जित और पराजित है। जो निर्णय की स्वतंत्रता जैनेन्द्र के यहाँ स्त्रियों में दिखलाई देती है, वह पुरुषों में भी दिखलाई नहीं देती है। यह हर प्रसन्न, सुनीता, ये सब सुनीता उपन्यास के पात्र हैं। मित्रों, एक बात चाहे आपने त्यागपत्र उपन्यास पढ़ करके जानी हो या जैनेन्द्र का कोई भी उपन्यास पढ़ करके आपने जाना हो, जैनेन्द्र के उपन्यासों में प्रेम बांधता नहीं है। कभी भी इस बात को गौर करना आप, जैनेन्द्र के उपन्यासों में प्रेम बांधता नहीं है, मुक्त करता है। जीवन में परीक्षा के क्षण आत्मदान के विकल्प के रूप में उपस्थित होते हैं और तब वे मुक्ति प्रदान करते हैं। आप देखिए कि नारी मुक्ति की अवधारणा जैनेन्द्र के समस्त स्त्री पात्रों के द्वारा आपको देखने को मिल जाएगी। और मित्रों,
जैनेन्द्र के स्त्री पात्र संबंध पाश से मुक्ति चाहते हैं और व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने पर बल देते हैं। ये स्त्री पात्र त्याग पत्र के आरंभ में ही आप देखिए मृणाल की ललक, इन शब्दों में देखिए ये जो नकार है उनका, जो बंधनों से मुक्ति होने की छटपटाट है, जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का जो उद्घोष है। मृणाल के इस वाक्य में जब वो प्रमोद से कहती है कि मैं नहीं बुआ होना चाहती, बुआ छी कितना बुरा शब्द लगता है, बुआ देख प्रमोद चिड़िया कितनी ऊंची उड़ जाती है, मैं चिड़िया होना चाहती हूं। बाकी तो फिर उपन्यास में जो घटित होता है वह इन्हीं छोटे छोटे पंखों के सहारे अपने चुने हुए आसमान में उड़ने की कोशिश है। अब आसमान कितना बड़ा हो या छोटा हो, अथवा उसके चारों ओर का परिवेश, उस उड़ान में कितना बाधक है या साधक है, यह महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण है उड़ान भरने का संकल्प, भले ही यह उड़ना झंझावातों के खिलाफ हो, उसके पीछे लेकिन आत्मबल है, आत्मा का अनुरोध है। जब मृणाल कहती है कि मैं चिड़िया होना चाहती हूं तो वह आत्मबल से इस बात को कहती है, उसकी आत्मा का अनुरोध है। मित्रों, जैनेन्द्र के पात्र अपने घटित जीवन को नियति मानकर अपनी भाग्यहीनता पर संतोष नहीं करते हैं। आप देखिए मृणाल के संकल्प, मृणाल ने दूसरी शादी, मतलब शादी तो क्या की, लेकिन जब कोयले वाले के साथ रही वो उसका अपना संकल्प है। पति के द्वारा जब वो त्याग दी तो वो अपने भाग्यवादी के सहारे जीवन जीती नहीं, ये संकल्प लेती है। तो जैनेन्द्र के पात्र अपने घटित जीवन को नियति नहीं मानते हैं, बल्कि अपनी भाग्यहीनता पर संतोष नहीं करते हैं। उनके स्त्री पात्र विवश होकर हार नहीं मानते हैं। मृणाल भी परिस्थितियों से मुठभेड़ करती है बिना कोलाहल मचाए, शांत भाव से। उनका विद्रोह मुखर नहीं है बल्कि आत्मस्थ है, भीतर का है। मृणाल परित्यक्ता है लेकिन भाग्यहीन नहीं है। उसका परित्याग भाग्य की देह नहीं है, उसका परित्याग भाग्य की नहीं पुरुष की करनी है। और शेष जीवन फिर वो मृणाल का अपना चुनाव है। गलती क्या थी मृणाल ने, तो बस केवल अपने पूर्व प्रेमी को ये कहा था ना कि अब आज से ऐसा पत्रव्यवहार तुम मुझसे मत करना, और वो बात उसने अपने पति को कह दी, बस पति ने उसको त्याग दिया। तो मृणाल का जो परित्याग है मित्रों, वो भाग्य की देन नहीं है, वो पुरुष की करनी है। और फिर उसके पश्चात जो शेष जीवन घटता है मृणाल का, वो मृणाल का अपना चुनाव है। और इस चुनाव में मृणाल किसी से कोई शिकायत नहीं करती, बस अपने को देते चलना है। मृणाल बस अपने को देते चलती है, निरंतर आत्मदान करती है, जिसमें ना कोई अपेक्षा है ना कोई आदान प्रदान का विनिमय है, और यही उसका आत्मसंतोष भी है, और यही इसी में उसका आत्मसम्मान भी है। सत्य की, सतित्व की जो धारणा मृणाल की है, उसके पीछे इसी आत्मदान की प्रमुखता है। वो कहती है मृणाल कि दान स्त्री का धर्म है, नहीं तो उसका और क्या धर्म है। उसे तन मांगा जाएगा, उसका मन मांगा जाएगा, तन भी मांगा जाएगा, सती का आदर्श और क्या है, पर उसकी बिक्री ना ना, यह ना होगा। आप बताइए कि हमने हालांकि इस वैश्य समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन मृणाल के जीवन से जुड़ी हुई वैश्य समस्या इसमें कहीं नहीं है। सिर्फ उसका इशारा है कि तुम चाहती हो कि मैं वहां वो काम मैं नहीं करूंगी। तो इस प्रकार से मान लो कभी सवाल आ जाए कि इस उपन्यास की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है, और चारों विशेषताओं में तीनों विशेषता आपको सही लग रही हो और चौथी विशेषता आ रही है वैश्य जीवन की समस्या, तो बाकी तीन को सही मानते हुए वैश्य जीवन की समस्या को बाहर निकाल देंगे हम। लेकिन कोई उससे भी बड़ी समस्या ऐसी आ रही है बेमेल, तो उसको हम मान लेंगे। तो इस प्रकार से मृणाल कहती है कि दान स्त्री का धर्म है, नहीं तो और उसका क्या धर्म है। उससे मन मांगा जाएगा, उसका तन भी मांगा जाएगा, सती का आदर्श और क्या है, पर उसकी बिक्री ना ना, यह न होगा। बुआ मृणाल के जीवन के आलोक में
प्रमोद भी अपनी आत्म समीक्षा करता है। वो कहता भी है कि आत्मा को खोकर साम्राज्य पाया तो क्या पाया, ये कहता है इसमें प्रमोद। तिल तिल कर मिटती भुआ के स्वयं चयनित जीवन में छल के लिए कोई स्थान नहीं है। अपनी सत्य निष्ठा में ना तो वह अपने पति से छल करती है, उसको भी साफ बोलती है, झूठ नहीं बोलती है मृणाल। मृणाल में सत्य निष्ठा का गुण है, हालांकि यही सत्य निष्ठा का गुण उसको पराभव में ढकेलता चला जाता है। पर मृणाल में सत्य निष्ठा का गुण है, ना तो वह अपने पति को छलती है, छल के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है उसके यहां, तो ना तो वह अपने पति को छलती है जिसके प्रति मन में राग जैसी प्रवृत्ति कभी रही नहीं, और ना उस व्यक्ति को जिसका आश्रय उसने कृतज्ञता के भाव से स्वीकार कर लिया है, ना उसको छलती है। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान तो मृणाल के अंदर इतना ज्यादा है कि आत्मसम्मान उसे ना तो भाई के घर लौटने देता है, ना ही भतीजे की कृपा स्वीकार करने का। बचता है सिर्फ दूसरों के लिए अपने जीवन को तिल तिल मिटाते होम करते रहना, और वो मृणाल करती है, और जिसमें केवल वेदना है, दर्द है। पर प्रमोद के लिए वही बूंद बूंद दर्द इकट्ठा होकर उसके भीतर भरता जाता है, वही सार है, वही जमा हुआ दर्द उस मानव की मानस मणि है। उसके प्रकाश में मानव का गतिपथ उज्जवल होगा, नहीं तो चारों तरफ गहन वन है और क्या है। जजी से प्रमोद के त्यागपत्र का महत्व उसकी तथ्यात्मकता में नहीं है मित्रों, ध्यान देना। इस उपन्यास का शीर्षक है त्यागपत्र। हम सोच रहे हैं कि अरे यार, वो दुखी होकर के अपने आप को भी कहीं उसका भागीदार मानता है मृणाल के पतन में, तो वो जजी से प्रमोद त्यागपत्र दे देता है, शायद इसका यही अर्थ होगा। नहीं, ये तो बहुत सतही अर्थ है इसका। जजी से प्रमोद के त्यागपत्र का महत्व उसकी तथ्यात्मकता में नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के अस्वीकार करने में है जिसने समाज को वैसा बनाया है जैसा वह है। प्रमोद का इस्तीफा अपने इस अधिकार के अनुपयोग के कारण होने वाले पश्चाताप या अपराध बोध का परिणाम है। पूरी सामाजिक व्यवस्था का और उस सामाजिक तंत्र का तिरस्कार है यहां, जो व्यक्ति के जीवन में व्यर्थता बोध भरता है। वैसे यह उपन्यास इस व्यवस्था को त्यागने वाले प्रमोद पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इस रुग्ण व्यवस्था, सामाजिक ढर्रे पर चलने वाली सामाजिकता के बीच आत्मनिर्णय का अधिकार का उपयोग करने वाली मृणाल की पात्रता पर केंद्रित उपन्यास है। आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ, इसमें प्रमोद भी महत्वपूर्ण है, वो कथानायक वही आत्मकथा के रूप में लिखता है, और मृणाल भी है, किस पर केंद्रित है ये उपन्यास? क्या प्रमोद पर? नहीं। क्या मृणाल पर? बिल्कुल। ये जो रुग्ण समाज है, ये जो सामान्य ढर्रे पर चलने वाली सामाजिकता के बीच जो आत्मनिर्णय के अधिकार का उपयोग करने वाली मृणाल है, उसकी पात्रता पर केंद्रित है ये उपन्यास त्यागपत्र। मृणाल ने जिससे प्रेम किया, सामाजिक विधान उसे अपनाने की अनुमति नहीं देता था, और जो विवाह उसका हुआ उसको मृणाल ने अंतर्मन से कभी स्वीकार नहीं किया। पति का घर एक बार छूटा तो फिर उसे समाज का उच्छिष्ट यानी कि झूठन बनना स्वीकार हुआ, क्योंकि उन्हीं को जीवन के साथ नए प्रयोग करने की छूट मिल सकती है जो समाज का उच्छिष्ट है। अपमान का जीवन जीने के लिए पति के घर लौटना नहीं चाहती है मृणाल, और ना लौटने पर यह संकल्प कर लेने के बाद कि अपनत्व और अन्यत्व इनकी सामाजिक मान्यताएं व्यर्थ हो जाती है, अब क्या अपनत्व और क्या अन्यत्व। सामाजिक विधान की अपेक्षा आंतरिक अनुरोध भाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है फिर, कि जिस पुरुष के साथ बसने का निर्णय लेती है वह भी उसके लिए अन्य ही होता है, वह भी उसका अपना नहीं हो पाता है। जीवन की परीक्षा में दर दर भटक करके मृणाल ने लेकिन एक सत्य पा लिया है, वो सत्य क्या है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है ये।
कि जीवन की दर दर परीक्षा में भटक करके मृणाल ने एक सत्य पा लिया है, और वो यह कि जिसे समाज की झूठन कहा जाता है, उनकी बुझती और जगती इंसानियत के भरोसे ही वह रहना चाहती है। उस समाज का बिल्कुल निम्न तबके में जाकर जब वो अंत में रहती है तो वो देखती है कि ये चाहे बुरे लोग हैं लेकिन ये छली नहीं है, कपटी नहीं है। तो जिसे समाज की झूठन कहा जाता है, समझा जाता है, उसकी बुझती और जगती इंसानियत के भरोसे ही अब मृणाल रहना चाहती है। उसने ये सीख लिया है कि इन लोगों में जिन्हें दुर्जन कहा जाता है, कई तह पार कर वह तह भी रहती है कि उसको छू सको यदि, तो दूध सी श्वेत सद्भावना का सोता फूट निकलता है। याद करो आप जयशंकर प्रसाद की पंक्ति, मनुष्य की क्षुद्रता में महानता का संधान। और मृणाल का जो आत्मबोध है, यह सफेद पोश समाज की सभ्यता समीक्षा से उपजता है। हालांकि मृणाल ने भारी कीमत चुका करके इस मूल्य व्यवस्था को पाया है कि जिसे लोग सभ्य कहते हैं वो दिखावटी असभ्य हैं, और जिसे लोग असभ्य कहते हैं, गंदे कहते हैं, उनके अंदर भी सद्भावना का एक दूध के समान सरलता बह रहा है, जिसमें सच्चरित्रता के अर्थ में मानव मूल्य नहीं माना जाता, दुर्जनता ही मानव कीमत बन गई हो। क्योंकि यह छल असंभव है। जो शिष्ट समाज में बहुत जरूरी होता है छल, वो इस अशिष्ट समाज में छल तो नहीं है। हाँ, ये बर्बर हो सकते हैं, इनको दुर्जन आप कह सकते हो, पर ये छली नहीं है। इस सत्य को मृणाल ने पाया है उस गरीब झुग्गी झोंपड़ी में रहकर। तो मृणाल के चरित्र के द्वारा जिस आत्म उपलब्धि के मार्ग को दिखलाया गया है, उसके लिए समाज की रूढ़ व्यवस्था से मुक्ति पहली शर्त है। त्याग पत्र में मुक्ति का यह अभियान जिस नारी चरित्र के द्वारा संपन्न होता है, मृणाल उसके पास संकल्प का बल है और आत्मनिर्णय की क्षमता है। मृणाल की अनिवार्य विशेषता है सत्यवादिनी, आत्मसम्मान, संकल्प करने का बल और आत्मनिर्णय की क्षमता। उड़ना जिसकी चाहत है, ये जरूरी नहीं कि उसकी दृष्टि आकाश की ऊंचाई में ही हो सकता है कि उसका आकाश पाताल की गहराइयों में खोज रही हो। यह भी संभव है कि वह उड़ान उसे कहीं नहीं पहुंचाए। यह भी संभव है कि स्थितियों के वात्य चक्र झंझावात में वो छत विक्षत हो जाए। यह भी संभव है कि वह लहूलुहान होकर के पंख कटे पक्षी की तरह फड़फड़ाती रह जाए। पर मित्रों, इससे साधना का महत्व कम तो नहीं हो जाता है? साधना तो साधना है कि मैं उड़ना चाहती हूं। मृणाल के द्वारा यह कहना कि मैं चिड़िया होना चाहती हूं, इस उद्घोष में आप यदि जीवन की सीमाओं का अतिक्रमण करने का अदम्य साहस खोज लो, एक नई मूल्यवत्ता खोज लो, स्त्री विमर्श की एक सार्थक दिशा भी खोज लो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो मित्रों, ये पहलू है जो मैंने आपको अपनी समझ त्याग पत्र के संदर्भ में जो बनी है वो मैंने आपको बताई है।